जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरफेस JDK 1.8 के बारे में कि JDK 1.8 वर्जन से इंटरफेस में क्या चेंजेस आया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। फ्रॉम JDK 1.8 ऑनवर्ड्स इंटरफेस कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स। JDK 1.8 वर्जन से हमारे पास जो भी इंटरफेस होता है, हम जो भी इंटरफेस बनाते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी हम रख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे इंटरफेस ए है तो 8.1.8 वर्जन से पहले हम जो भी इंटरफेस बनाते थे इस तरह से मेथड होता था और ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ करता था 1.8 वर्जन से पहले। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि 1.8 वर्जन से पहले 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ करता था हमारा इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे ये दो मेथड हुआ करते थे और ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते थे। लेकिन JDK 1.8 वर्जन से इसमें दो कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया, डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड। तो डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों ऐड किया गया, इसे ऐड करने का पर्पस क्या था, क्या एडवांटेज हमें मिला, लोगों को क्या दिक्कत होता था कि ये ऐड किया गया, इसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे स्टैटिक मेथड क्यों ऐड किया गया इंटरफेस के अंदर, और ऐड किया गया तो क्यों किया गया और इसे ऐड करने का पर्पस क्या था। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम आपको पर्पस ही बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, पर्पस मतलब क्या रीज़न था इसे लाने का इंटरफेस के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड नो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड सो। ठीक है, ये मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया, और मान लो मैंने आगे चल के एक और स्टैटिक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प, और ये भी हमने इसकी बॉडी ओपन कर दी। तो ये दो जो स्टैटिक मेथड है इनमें हम कुछ भी इंप्लीमेंट करके परफॉर्म करा सकते हैं अपने लॉजिक को। तो ये मान लो मेथड हमारा क्लासेस के अंदर है, मान लो क्लास ए है, इसके अंदर हमारा ये पूरा मेथड है। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो स्टैटिक मेथड है इसे ऑब्जेक्ट से तो कोई मतलब है नहीं, तो फिर हम इसे क्लासेस के अंदर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर बनाना मतलब क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर इन्हें कॉल करो, या फिर आप चाहो तो बिना ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हो। तो जब इन्हें ऑब्जेक्ट से लेना ही देना नहीं है तो आप इन्हें ना क्लासेस के अंदर बनाओ ही मत। इसका एक बहुत ही बढ़िया रास्ता होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी स्टैटिक मेथड आपको बनाना हो और उसे इम्प्लीमेंट करना हो ना, आप क्लासेस में ना जाने के बजाय आप इंटरफेस में चले जाओ इस तरीके से, और इंटरफेस के अंदर आप अपना स्टैटिक मेथड बनाओ, जैसे स्टैटिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे उस मेथड को इम्प्लीमेंट करो इंटरफेस के अंदर। स्टैटिक मेथड बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इंटरफेस का ना ऑब्जेक्ट बनता है, और इस स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। तो यही मेन पर्पस था स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के अंदर ऐड करने का। लोगों ने देखा कि स्टैटिक मेथड अगर हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं फिर भी इसे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है। तो जब ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, तो क्यों ना इस मेथड को हम इंटरफेस के अंदर ला दें स्टैटिक मेथड को, ताकि हम बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट इंटरफेस नेम से इसे कॉल करके एक्सेस कर सकें। और ये जो स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर हम बनाए हैं ना, इसे इम्प्लीमेंट करना इसी इंटरफेस के अंदर कंपलसरी है, और इस स्टैटिक मेथड को सिर्फ और सिर्फ यही इंटरफेस ए ही इम्प्लीमेंट कर सकता है। कोई अदर इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस इस ऐड मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो स्टैटिक है। तो हम कह सकते हैं इंटरफेस के स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस ओवरराइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको रूल नंबर वन बता दूं कि इंटरफेस के अंदर हम जो भी स्टैटिक मेथड लिखते हैं हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो हमने एक ए नाम का इंटरफेस बनाया, ये हो गया अपना इंटरफेस। अब हमें क्या करना है, हमारे इस इंटरफेस को इस इंटरफेस के अंदर एक स्टैटिक मेथड हमें बनाना है, तो बना देते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड सो,
तो अभी जो ये सो नाम का स्टार्टिंग मेथड मैंने इंटरफेस के अंदर बनाया है ना, इसे हम सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरफेस ए के अंदर ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहीं नहीं। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज होगा यहाँ पे हमारा कैन नॉट ओवरराइड, आप कैन नॉट ओवरराइड इंटरफेस स्टैटिक मेथड, ठीक है, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैसेज मैंने दे दिया। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली अपने इस मेथड को कॉल करना है। तो मैंने क्या बोला था, जब आपको स्टैटिक मेथड इंप्लीमेंट करना हो बना के, तो आप इंटरफेस के अंदर इसे लिखो, क्योंकि इंटरफेस का ना ऑब्जेक्ट बनता है और ना ही स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये बिना ऑब्जेक्ट का कॉल होता है, डायरेक्ट कॉल होता है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे हम इंटरफेस नेम से डायरेक्ट अपने मेथड शो को कॉल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना मेन मेथड होगा और इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, अपने मेथड को कॉल करना होगा। हमारा मेथड क्या है, ए डॉट शो, ए हमारे इंटरफेस का नेम है जहाँ पे हमने शो मेथड को इम्प्लीमेंट करा हुआ, तो यही एक तरीका है इंटरफेस के मेथड को कॉल करने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओनली तरीका। मैंने कंपाइल करा प्रोग्राम को और रन कर दिया, देखो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, कैन नॉट ओवरराइड इंटरफेस स्टैटिक मेथड्स। रूल नंबर टू ये होता है कि अगर आपके इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड है, तो आपको किसी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस नहीं है, हमने इस तरह से नहीं लिखा हुआ है इंप्लीमेंट्स ए, क्या मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैन नॉट ओवरराइड इंटरफेस स्टैटिक मेथड, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैं प्रूफ करके आपको दे देता हूँ। मान लो मैंने एक डेमो क्लास बनाया जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा हमारे इंटरफेस ए को, तो अभी ये क्या कर रहा ना, ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है हमारे मेथड स्टैटिक को जो इंटरफेस के अंदर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सो, ये क्या कर रहा, ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन का कुछ भी कोड लिख देते हैं, इसके अंदर भी लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरर, आपको एरर मिलेगा। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं उस चीज को भी, क्लास डेमो है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, डी डॉट सो, ठीक है। देखो हम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं डेमो क्लास के अंदर इंटरफेस के स्टैटिक मेथड को, जो कि हम नहीं कर सकते, तो अभी कंपाइलर हमें एक बढ़िया सा एरर देगा। यहाँ पे देख लो, स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी एनोटेटेड विथ एट द रेट ओवरराइड। अगर कंपाइलर हमें इस एट द रेट ओवर राइड एनोटेशन जो हमने स्टैटिक मेथड के पहले लगाया हुआ है, इसके रहते हुए एरर ना देता, तब हम समझ जाते कि हमारा स्टैटिक मेथड यहाँ पे हमने ओवर राइड कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें कंपाइलर क्या बोल रहा कि आप स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एनोटेटेड विथ एट द रेट ओवर राइड, एट द रेट ओवर राइड आप इसे नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि आप स्टैटिक मेथड के साथ इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके रहते अगर ओवरराइड नहीं हो पा रहा, मतलब स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा है। अगर हम ये हटा देते हैं ना, तब हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ओवरराइड हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, मतलब इसकी ये गारंटी है कि ये सो मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं और हमें एरर मिला है। एरर मिला है मतलब स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड जो इंटरफेस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अभी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, मैं आपको बताता हूं। आप ना इंटरफेस के अंदर मेन मेथड को भी रख सकते हो इस तरह से, मेन मेथड इंटरफेस के अंदर आ सकता है, क्योंकि मेन भी जावा में एक स्टैटिक मेथड है। तो इसमें अगर आप कुछ भी रिजल्ट डिस्प्ले कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे हमने लिखा यहाँ पे लर्न कोडिंग, ठीक है,
तो अभी देखिएगा इंटरफेस नेम से हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। इंटरफेस का नेम मैंने टेस्ट कर दिया है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इंटरफेस में जो स्टैटिक मेथड होता है उसे आप ओवरराइड नहीं कर सकते इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के पास। इंटरफेस के अंदर आप मेन मेथड रख सकते हैं, और मान लो ये हमारा है, ठीक है, इस क्लास को हम हटा देते हैं, अभी रहने देते हैं। अभी हमें इस इंप्लीमेंट्स ए की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरफेस में सिर्फ स्टैटिक मेथड है। लेकिन अगर मान लो मैंने इस तरह से एक और मेथड लिख दिया यहाँ पे, तो ये डिस्प मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अभी हमें इस इंप्लीमेंट डेमो क्लास की कंपलसरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसे इंप्लीमेंट करना डेमो क्लास के अंदर कंपलसरी है, ठीक है, नहीं तो एरर बोलेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मेथड ना रहे इंटरफेस के अंदर, तब इस इंप्लीमेंटिंग क्लासेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना सारा काम डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने मेथड्स को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इंटरफेस नेम से। उम्मीद करते हैं आपको स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।